بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اس آیت کریمہ کے حوالے سے کل کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آج کا درس اسی کا تتمہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور کہا اے ایمان والو تم مدد طلب کرو. بالصبر والصلاۃ صبر سے اور نماز سے. اور آیت کریمہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے صبر کے حوالے سے کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے. رب کریم کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے جیسا کہ کل کے درس میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا شرط تھی وہ جو کل ذکر کیا؟ ایک شرط کل میں نے ذکر کیا تھا, غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ. کیا تھی وہ شرط؟ ایک پنکھا کم کر دیں. ایک شرط کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک شرط کے ساتھ میں آئے بیٹا, ایک لمٹ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں. زبردست زبردست ماشاء اللہ بہترین. ایک لمٹ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں. وہ لمٹ کون بیان کریں گے؟ کون بتائیں گے کہ وہ لمٹ کیا بیان کی گئی تھی؟ بالکل, جس کی انسان کو قدرت ہو. ہم جب دیکھتے ہیں کسی شخص کو مزار پر جاتے ہوئے کیا کرنے آئے ہیں, کہاں اولاد مانگنے آئے ہیں, ہمارے گھر میں مریض ہے شفا کے لیے آئے ہیں, نہیں نہیں یہ سب ان سب چیزوں پر قادر نہیں ہے. نہیں آپ گستاخ ہیں, آپ نہیں جانتے ہیں ان کی پہنچ کو, آپ ان کی پہنچ سے واقف نہیں ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یعنی ان کی قدرت اور ان کی پہنچ, ان کی طاقت اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں. تو اب آپ بتائیے آپ نے کہاں لمٹ رکھی؟ آپ نے تو سارا ہی لمٹ توڑ دیا.
जो आप ये कह रहे हैं कि एक लिमिट के तहत में, और लिमिट बता रहे हैं कि कुदरत, जितनी कुदरत हो उसकी, और सामने वाले का कहना है कि इनकी कुदरत उतनी है जितनी कि आप अभी सोच नहीं सकते, आप जान नहीं सकते। आपने ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये जो बातनी कुव्वत है उसका आपने अंदाज़ा नहीं किया, तो कहाँ लिमिट रह गया? कैसे कैसे उस लिमिट को हम मुतय्यन करें? लिमिट को मुतय्यन कैसे करेंगे? कल मैंने मुतय्यन कर दिया था, कल मैंने मुतय्यन किया था। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी कोशिश है, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, बहुत सिंपल है। मैंने कल बताया था फितरी कुव्वतें, फितरी कुव्वतें इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रखी हुई है उसके दायरे में, इंसान की फितरी कुव्वतें, इंसान जिन नहीं, मैंने कहा था जिन की फितरी कुव्वतें इंसान से बढ़ करके, एक जानवर है उसकी फितरी कुव्वत और एक इंसान है उसकी फितरी कुव्वत अलग अलग है। भैंस की जो ताकत है इंसान की ताकत उमूमी तौर पर उससे हट करके है, दोनों की फितरी कुव्वतें एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये जो फितरी कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जिन्स के साथ में रखी, फितरी कुव्वत हर जिन्स के साथ में रखी हुई है, उस दायरे में आप उससे मदद ले सकते, फितरी कुव्वत। अब अगर आप देख रहे हैं पानी के ऊपर कोई चल रहा है, ये इंसान की फितरी कुव्वत है। फितरी कुव्वत का माना जो भी इंसान है उसके लिए नॉर्मल है, जो भी इंसान है उसके लिए नॉर्मल है, तो ये इंसान की फितरी कुव्वत है। हवा में उड़ सकता, फजर की नमाज आपके साथ ना पढ़ करके कहाँ पढ़ सकता? खाने काबे में पढ़ सकता, फितरी कुव्वत है। ये सब फितरी कुव्वतें हैं। फितरी कुव्वतों के दायरे में रहते हुए अगर आप किसी इंसान से मदद लेना चाहें ले सकते हैं, जायज़ है, दुरुस्त है। इसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा सलफ़े सालहीन अइम्मा, सारे लोगों का इसी पर अमल रहा। तो इसको क्या कहेंगे? मा फौकल फितरत, मा फौकल फितरत कुव्वत, फितरी कुव्वतों से ऊपर। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खासा है। फितरी कुव्वतों से ऊपर की जो भी चीज़ें रहेंगी, अगर हमें वो चाहिए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेंगे। तो अब अगर औलाद लेनी है, अगर शिफा मांगनी है, अगर इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो इंसानी फितरी कुव्वतों के दायरे में नहीं आती, तो हम किससे मांगेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांग सकते सारी चीज़ें, अल्लाह से मांगेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांगेंगे, किसी और से नहीं मांग सकते, वरना वही होगा जो कल आपने कहा था कि ये शिर्क है, वरना ये शिर्क लाजिम आएगा कि रब के हक में हमने किसी और को शरीक कर लिया। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क क्या चीज़ है? जिसे शिर्क से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। कब बचेंगे? जब हम शिर्क को
अच्छी तरीके से समझेंगे क्या चीज़ है शिर्क, शिर्क क्या चीज़ है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें, अगर अल्लाह की भी इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करें तो तभी शिर्क होगा। तो कुछ ऐसा बताइए कि दोनों उसमें आ जाए, जैसे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें तो शिर्क है, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर अल्लाह की भी इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करें तो तभी शिर्क है। तो फिर शिर्क में क्या कहा जाए कि सारी ही शक्लें उसके अंदर आ जाएं। हाँ अल्लाह की उलूहियत रुबूबियत अस्मा और सिफात में किसी और को शरीक करना। अच्छा अच्छा जी, संत ये सबसे जामे तरीन इसकी तारीफ है। चीज़ों में अल्लाह ताला की कुदरत है, जो चीज़ अल्लाह ताला जैसा कि का पैदा करना और जो है मौत आना, हर चीज़ अल्लाह का, ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से है नहीं, ये भी दूसरे भी ये करते हैं, शिफा दूसरे दे सकते हैं, तो ये शिफ्ट हो। तो इसी को समझने के लिए कि जो कुछ हक अल्लाह का है, हक उसमें किसी और को शरीक ना करना, क्लियर करें हक। अब वो हक उलूहियत का हो, इबादत का हक हो तो तौहीद उलूहियत, वो हक रुबूबियत का हो कि उसी ने पैदा किया है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही हाकिम है, रुबूबियत का हक हो, वो हक नाम से मुताल्लिक हो, अस्मा व सिफात, रब के किसी भी पर्सनल हक में किसी और को क्या कर देना, शरीक करना, रब के हक, ये आपका है अगर आप कहें, यानी आपकी अपनी चीज़ है, और जब ये हो किसी से जिक्र करना, भाई ये इनका और उनका है, तो आपने शरीक कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ हमारा है तो आप कहिए ये फला ही का है बस, तो ये तौहीद होगा। और उस पर्सनल के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए ख़ास रखा है, किसी को भी हम उसमें दाखिल नहीं कर सकते। ये तौहीद की मुख्तसर से मुख्तसर लफ्ज़ों में और जामे तरीन यानी उसके सारे पहलुओं को अपने अंदर शामिल की हुई है। और उसको अरबी में कहते हैं इफ़रादुल्लाह बिहक़्क़िही, अरबी में उसको कहेंगे मुख्तसर में इफ़रादुल्लाह बिहक़्क़िही, कि अल्लाह के जितने भी हकूक़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को दिया जाए, तो ये तौहीद है, ये तौहीद है, इफ़रादुल्लाह बिहक़्क़िही। और उसी के अंदर आप ये कह दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में किसी और को भी आप दाखिल और शामिल कर लें, तो ये हो जाएगा शिर्क। तो ये जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं ये हमें जहन में रखनी चाहिए। आज के दर्स में इसके बाद की जो बातें हैं वो ये कि सब्र और सलात से हम किस तौर पर मदद हासिल कर सकते हैं, सब्र और सलात के ज़रिए से, इसके ज़रिए से मदद क्या हासिल करना है, इसके ज़रिए से मदद क्या पाने के लिए मदद हासिल करना है। हम सब्र करेंगे, हम सलात अदा करेंगे, तो इन दोनों के ज़रिए से हमें मदद लेना है, लेकिन पाना क्या है, मदद ले करके आप क्या करना चाहते हैं। भाई मदद किसी के लिए जाती है, किसी मकसद के लिए, हम इन दोनों के ज़रिए से मदद लेना चाहते हैं, मकसूद क्या है, क्या मकसूद है जिसके लिए हम मदद चाहते हैं। हमें नमाज के ज़रिए से मदद मिल रही है और सब्र के ज़रिए से मदद मिल रही है,
और मदद लेने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि हम मदद लेकर के कहाँ चढ़ाई करना चाहते हैं, कहाँ चढ़ाई करना चाहते हैं, हासिल क्या करना है, इस चीज़ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया। इस चीज़ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया कि इसके ज़रिए से आप मदद लेकर के करेंगे क्या। तो जब कहीं किसी चीज़ का कोई मुताल्लिक ना ज़िक्र किया जाए तो हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हों, यह हर वो चीज़ जो उसके लिए सालेह और दुरुस्त हो सकती है, वो सब उसके अंदर दाखिल और शामिल हो जाता है। गोया कि किसी भी चीज़ में आप कामयाबी चाहते हैं तो आप कामयाब तब होंगे जब इस रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे, दीनी चीज़ें हों या दुनियावी चीज़ें हों। आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, आपको इससे मदद लेनी होगी। तो इस रास्ते से अगर जाते हैं, इनको मदद लेकर के जाते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। आप दुनियावी के साथ साथ दीनी मसाइल के अंदर कामयाबी चाहते हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप जन्नत चाहते हैं, कामयाबी तो इसी रास्ते से आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो इसका ज़िक्र नहीं किया गया ताकि ये आम और शामिल रहे, इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ये जामे और शामिल हो। और ज़िक्र किया गया सब्र का और सलात का, लेकिन आयत का खात्मा किस चीज़ पे हो रहा है? सब्र पे कहा जा रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि सलात का दर्जा कम है और सब्र का दर्जा ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है? भाई ये भी तो हो सकता था नमाज पढ़ने वालों के साथ है, कहा जा सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं कहा गया, नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो क्या है अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ या नहीं है ना? आयत में सिर्फ सब्र करने वालों का जिक्र है। आयत का खात्मा, मदद मांगी जा रही है या मदद मांगने का हुक्म दिया जा रहा है दो चीज़ों से, सब्र और सलाह, और फजीलत सुनाई जा रही है सिर्फ सब्र की। बात क्लियर हो जाएगी या कुछ लग रहा है कि दोनों का जिक्र आना चाहिए कि भाई अल्लाह नमाजियों के साथ भी है, सब्र करने वालों के साथ भी है, बात पुख्ता हो जाती। लेकिन आयत के खात्मे में दोनों का जिक्र नहीं किया गया। तो तअम्मुल करने के बाद एक नतीजा आता है, वो ये कि सब्र के मफहूम को अगर आप लेना चाहें तो सलात उसी में दाखिल है, सलात उसके दायरे में दाखिल और शामिल है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उन्हीं में से एक नमाजी भी है, उन्हीं में से एक। क्या बग़ैर सब्र के नमाज हो सकती, हो सकती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इस्बाग़ुल वुज़ू अलल मकारिह अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया वयरफ़ु बिहि दरजात, क्या ऐसी चीज़ मैं ना बताऊँ कि जिससे अल्लाह गुनाहों को मिटा दे, दरजात बुलंद कर दे। सहाबा ने कहा क्यों नहीं? तो आपने तीन चीज़ों का ज़िक्र किया। नंबर एक, इस्बाग़ुल वुज़ू अलल मकारिह, वुज़ू मुकम्मल तरीक़े से करना, यानी कोई कमी ना रहे वज़ू बनाने में, अज़ाए वज़ू में किसी जगह को धोने में अच्छी तरीके से वज़ू बना लें। वंतज़ारु सला कसरतुल खता इल मसाजिद,
وكثرت الخطى الى المساجد, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में चल चल करके आना, कसरत खुता इल मसाजिद, वंतज़ार सलात बाद सला, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतज़ार करना. नतीजा क्या बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात फ़ज़ालिकुमुर रिबात. ऐसा अगर कोई शख्स करता है तो ऐसे है जैसे कि वो सरहद पर चौकस पहरेदार की तरह से जो सरहदों की हिफाजत के लिए मुतय्यन हुआ करते हैं उनका जो अजर है वही अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को अता फरमाता है. कैसे शख्स को, जो अच्छी तरीके से वज़ू बनाए, जो नमाज का इंतज़ार करे, जो अपने घर से चल चल करके मस्जिदों के अंदर आए. तो रब्बे करीम ने ये ऊंचा मकाम उस शख्स को दिया हुआ है. ये तो बड़ी अजीम चीज़ है नमाज. ऐसा करना इंसान के लिए आसान नहीं है, एक मुश्किल तरीन काम है. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पसंद नहीं उसके बावजूद भी वो इंसान अच्छी तरह से वज़ू बनाता है. ठंडक का मौसम है और पानी के अंदर उनकी है सर्दी है, लेकिन नमाज का वक्त आता है तो कैसा भी करके वो वज़ू बना करके ही आता है. नमाज की अदायगी के लिए वो चल करके आता है और रास्ते की रुकावटों की परवाह नहीं करता है. तो नापसंदीदगी के बावजूद चल करके आना, यही तो सब्र है. सब्र का असल माना यह है हब्सुन नफ्स. सब्र का माना है हब्सुन नफ्स, नफ्स को रोक लेना, कंट्रोल कर लेना, अपने आप को रोक लेना, कंट्रोल कर लेना. आप जहाँ चाहें वहाँ अपने आप को रोक लें, ये सिफत सब्र की है. चाहें तो आगे बढ़ा दें, चाहें तो इसको पीछे लगा दें, चाहें तो इसको दाएं तरफ कर दें, चाहे तो इसको बाएं तरफ कर दें, खड़ा कर दें, बिठा दें, लेटा दें. आप अपने आप पर इस कदर कंट्रोल करने में कामयाब हैं कि हर चीज़ पर उसको रोक सकते हैं. जहाँ जहाँ भी रब्बे करीम हमसे चाहे वहाँ आपको रोकने का पूरा पूरी कुव्वत और पूरी ताकत आपके पास मौजूद हो, आप रोकने में कामयाब. तो जो शख्स अपने आप को रब के हुक्म पर रोक ले जाए, और उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म नमाज की अदायगी भी है, रब की इताअत और बंदगी पर जो शख्स अपने आप को रोक ले जाए कि ये हमको करना है और उस पर वो डट जाए, इसी को कहा जाता है सब्र. इस सब्र की सबसे आला तरीन शाख है, सबसे आला तरीन दर्जा है सब का. सब्र का सबसे आला तरीन दर्जा है कौन सा, रब की इताअत और बंदगी को इंसान इत्मीनान और सुकून के साथ में अंजाम देने के लिए अपने आप को मुतमईन कर ले, अपने अंदर ठहराव ले आए, अपने अंदर ठहराव की सिफत पैदा कर ले, भागम भाग वाली कैफियत उसके अंदर न रहे. जिस्म को कहीं रखे, दिल को कहीं भेज दे, ऐसा ना हो. अपने आप को रोक ले, अपने पूरे वजूद के साथ ठहर जाए जहाँ हमारा रब चाहे. तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा काम है. ये बहुत बड़ा काम, कब हमारा रब चाहता है, कहाँ चाहता है, कितना चाहता है, हमारे नफ्स का अपना कोई हुक्म नहीं. हमारे अपने नफ्स के
की सारी चाहतें पैर के नीचे कुचल दी गई, दबा दी गई। किसने दबाया? हमने दबाया खुद, रब मजबूर नहीं करता। हमने अपने नफ्स की सारी चाहतों को रगड़ दिया, उसको हमने दबा दिया, उसको हमने कुचल दिया, उसको हमने कूट कूट करके उसे ख़त्म कर दिया, पीस दिया। किस चीज़ को पीस दिया? अपने अपनी ख्वाहिश, अपने नफ्स के हुक्मों को, उसकी चाहतों को, उसकी तमन्नाओं को, उसकी आरजुओं को, सब चीज़ों को। और वो जगह हमने किसके लिए ख़ास कर दिया? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो भी हुक्म और जिस वक्त भी उस नफ्स तक पहुंचता है, नफ्स में अंदर से किसी भी तरह की रुकावट की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ये सब्र की सबसे आला तरीन शाख है, आला तरीन दर्जा है। इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दुनिया में भेजा है, यही जानने के लिए, यही समझने के लिए। क्या वो ऐसा करेगा? और यही वो चीज़ है जो मरने के बाद उसे बहुत कुछ देगी। उतिल कल जन्नतुल्लती वरिस्तुमुहा वजे बिमा कुंतुम तामलो, बिमा कुंतुम तामलो। एक आयत में है बिमा सबर, एक आयत में है बिमा सबर, सब्र करने की वजह से। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तिलका उकबद्दार, यानी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका ठिकाना देगा। और वहाँ लोग आपसे सलाम करते हुए गुज़रेंगे और खुशखबरियाँ देंगे कि ये ऊंचा मकाम जो आपको मिला है किस चीज़ की वजह से? आपके सब्र करने की वजह से, बिमा सबरतुम। ये चीज़ रब्बे करीम हर इंसान को उसके सब्र की वजह से आला तरीन मकाम अता करेगा। कोई भी नेकी ऐसी नहीं जो सब्र के बग़ैर अदा की जा सके, कोई भी छोटा बड़ा काम सब्र के बग़ैर नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं। नफ्स को रोक लेना तभी जा कर के वो काम इंसान कर सकेगा, नफ्स को अगर नहीं रोकता वो काम नहीं कर सकता। एक शाख तो ये हो गई, एक और शाख है उसके अंदर, और वो ये है कि हमारे रब की कुछ पसंद वाली चीज़ें हैं और कुछ नापसंद वाली चीज़ें हैं। तो पसंद वाली चीज़ों के ताल्लुक़ से भी मैंने ज़िक्र किया कि हमें अपने आप को उस पर रोक लेना है ताकि उस काम को हम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। जो नापसंद वाली चीज़ें हैं उसमें क्या करना है? अपने नफ्स को रोक लेना है कि उसके करीब न जाएं। अपने नफ्स को रोकना है कि उस नापसंदीदा जगह के करीब न जाए, उस नापसंदीदा काम के करीब न जाए। हमें नफ्स को रोकना है, तो यहाँ भी रोकना ही है, यहाँ भी नफ्स को रोकना है। फलां चीज़ ना देखो, फलां चीज़ ना सुनो, नफ्स को रोकना है। फलां चीज़ मत देखो, फलां चीज़ मत बोलो, मत करो, रोकना है नफ्स को, नफ्स को रोक लगानी है। तो क़ुरान में इस तरह की तालीमात बहुत हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा था? वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। तो नफ्स को क्या करना है?
नफ्स को मुतमईन कर देना है कि रब्बे करीम का हुक्म आया है कि इसके करीब नहीं जाना है, तो नफ्स को उससे रोक लेना है, नफ्स को उस चीज़ से रोक लेना है, शिर्क से रोकना है, बिदात से रोकना है, छोटे बड़े गुनाहों से रोकना है। ये भी बड़े ऊँचे दर्जे का सब्र है, लेकिन पहले दर्जे से ये कम है। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दर्जा सब्र का जो है, जो पहले मैंने जिक्र किया, अस्सब्र अला ताअ, और उसके बाद दर्जे के एतबार से जिस सब्र का नाम है वो सब्र अलल सब्र अनिल मासिया, अस्सब्र अनिल मासिया, मासियत से अपने आप को रोक लेना। एक और सब्र है और वो इन दोनों के बाद उसका दर्जा है। क्या है वो सब्र? इंसान की पसंद की सारी चीज़ें दुनिया में नहीं होती, कुछ चीज़ें पसंद की होती हैं और कुछ चीज़ें नापसंद की। दोनों तरह की चीज़ें इस कायनात के अंदर हो रही हैं, दोनों चीज़ें, दोनों तरह की चीज़ें। पसंद की चीज़ों से खुश होता है और नापसंदीदा चीज़ों को देख करके तकलीफ़ होती है। कौन ये चाहता है कि उसके दुकान में आग लग जाए? किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर लग जाए तो क्या करना है? सब्र करना है। अगर लग जाए तो सब्र करना है। कोई नहीं चाहता है कि सैलाब आ जाए, लेकिन अगर सैलाब आ जाए तो उससे बहुत सारे ढेर सारे नुकसान हो जाते हैं, तो क्या करना है? सब्र करना है। सब्र यानी अपने आप को रोक करके रब के इस फैसले को दिल के अंदर जगह दे लेनी है, इसमें भी कोई खैर है। दिल को ये तसल्ली देना है कि इसके अंदर भी कोई खैर है जो हमारी निगाहें नहीं देख पाती। अल्लाह जो हम पर मेहरबान है वो बखूबी जानता है कि इसमें क्या खैर है। कौन ये चाहता है कि उसके बेटे का इंतकाल हो जाए? कोई नहीं चाहता है। उसका करीब तरीन इंसान दुनिया से चला जाए, कोई नहीं चाहता। कौन ये चाहता है कि कोरोना मर्ज़ का वो शिकार हो जाए? कौन चाहता है? हर शख्स घबराता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएं, तो क्या करना? सब्र करना। सब्र का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे? यहाँ सब्र का क्या मतलब होगा? अभी मैंने ज़िक्र किया कि इसका मतलब ये होगा, अपने आप को ये मैसेज देना, अपने नफ्स को ये मैसेज देना, चाहे आप ज़ुबान से दें बोल करके, और या फिर अंदर ही अंदर ये मैसेज आप लिख करके भेज दें, यानी आप मोबाइल में लिखें, मैसेज टाइप करें और भेज दें अंदर अंदर। क्या लिखेंगे? इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। ये देना कि अल्लाह के फैसले पर हम राज़ी हैं। क्या कहेंगे ज़रा बोल के मतलब बताइए, क्या लिखेंगे मैसेज में? अल्लाह के फैसले पर हम राज़ी हैं कि नहीं? नहीं हैं। अल्लाह के फैसले पर हम राज़ी हैं। राज़ी का ताल्लुक जिस्म से है, रज़ामंदी का ताल्लुक जिस्म से है, हैं, दिल से है। रज़ामंदी का ताल्लुक दिल से है, अंदर अंदर। जिस्म से मुमकिन है आप झुक जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जिस्म झुके तो आपका दिल भी झुक जाए, लेकिन राज़ी का लफ्ज़ ये बताता है कि आप दिल से उसे मान रहे हैं, और मान लेना एक कुढ़ कर मानता है। तबीयत नहीं चाहती है कि मार्केट जा करके और आपने जो कहा मैं ख़रीद करके लेके आऊँ, तबीयत नहीं चाहती है, लेकिन आपने कह दिया तो जाना ही पड़ेगा, तो अब जाना ही पड़ेगा, इसमें रज़ामंदी नहीं है, जाना पड़ेगा इसमें रज़ामंदी
नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है आपकी बात, आपकी बात को हमने मान लिया है, उसको कहते हैं तस्लीम। उसको क्या कहते हैं? हमने तस्लीम कर लिया है, यानी अपने जिस्म को आपके हवाले कर दिया है, आपने जो कहा हमारे जिस्म ने उसको कर दिया, तस्लीम। और तस्लीम के आगे ये होता है कि आपके दिल को सुकून मिला कि चलो एक मौका मिला हमें आपकी खिदमत का, एक मानना ये होता है। तो जिस्म भी उसके लिए तैयार था और आपका दिल भी तैयार हो गया, ये दिल भी तैयार हो गया। तो ये होता है दिल से मान लेना। और सआदत हमको हासिल हो रही है ऐसा करके, आप महान आदमी हैं, आप जैसे लोगों की खिदमत करना ये हमारे लिए सआदत की बात है। तो सिर्फ मान लेना ही नहीं है, यहाँ तो खुशी हासिल करना है, यहाँ तो हमें खुशी हासिल करना है, यहाँ हमें खुशी हासिल करना है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब सूरह निसा में वो कहा गया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि जब भी कोई फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आए तो क्या करें, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये पूरी ताकीद कर दी गई, दो तीन मरहले में उस चीज़ को बयान कर दिया गया कि जिस्म से भी मानना है, दिल से भी मानना है, और एक कदम और आगे बढ़ करके उससे राज़ी होना है, बल्कि अपने आप को उससे खुश करना, अपने आप को खुश करना है। वहाँ कोई हर्ज नहीं रहेगा, फिर दिल के अंदर कोई अदना सी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो खटके, हर्ज का मतलब खटके, दिल में किसी भी पहलू को सोच करके आपके दिल में कहीं कोई अदना सी खटक आए तो अल्लाह ने कहा वो हरज नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए दिल में। दिल एकदम साफ और प्लेन रहे, दिल एकदम साफ और प्लेन हो जाए खुश। तो ये जो कैफियत है राज़ी हो जाने की कि अल्लाह के फ़ैसले से हम राज़ी हैं, ये तभी होगा कि जब दिल भी उसको तस्लीम कर ले, दिल भी उसको तस्लीम कर ले और हमारे ऊपर कोई उसके ज़ाहरी असरात ना आए। चलो हमने मान लिया, पड़ोसी से हम कहने लगे आखिरकार तो हम मुसलमान ही हैं ना, और ये कुफार और मुशरिकीन हैं, सारा वबाल हमारे ही ऊपर, फिर भी तो हम मुसलमान हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अच्छे भले काम करते हैं, सारी ही मुसीबतें हमारे ऊपर, ये रज़ामंदी की अलामत नहीं है। शिकायत रज़ामंदी की अलामत नहीं होती है। जो जब भी ऐसी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आएँ, जब भी ऐसी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आएँ, उन मुसीबतों के ताल्लुक़ से सब्र क्या होगा? सब्र किसे कहेंगे? सब्र किसे कहेंगे? कि उसे हम दिल से मान लें, दिल के अंदर जगह दे लें, और मुख्तसर लफ्ज़ों में कहते हैं अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंदी, अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंदी। रब ने जो चाहा हमने भी उस चीज़ को चाह लिया, रब की चाही हुई चीज़ हमारी पसंदीदा है, रब ने हमारे लिए जो फ़ैसला किया हमने उसे मंजूर कर लिया। तो इसे कहते हैं सब्र अलल बला, सब्र अलल बला, मुसीबतों पर सब्र करना। अच्छा जानते हैं आसमान से बारिश हो गई, आसमान से तूफ़ान और आंधी चली और बड़े ढेर सारे नुकसानात हो गए, तो आसान है सब्र करना। भाई रब ने ऐसा किया, हमें कोई उस पर गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने हमारे दुकान में आग लगा दी, क्या कसूर था हमारा? हम उसे नहीं बख्शेंगे, हम उसे नहीं बख्शने वाले। आखिर ये मुसीबत आई कि नहीं आई? ये आसमानी तूफ़ान से भी ये मुसीबत आ सकती थी,
और किसी इंसान के हाथ से भी ये मुसीबत आ सकती है। ये दोनों तरह की मुसीबतें आएंगी, दोनों तरह की मुसीबतें आती भी हैं, आती हैं कि नहीं। एक मुसीबत तो कुदरती हो गई आसमानी, एक और है जो इंसान के तरफ से आपको आ रही है, कभी दुश्मनी की वजह से और कभी नादानी की वजह से, कभी दुश्मनी से और कभी नादानी से, गलती से ऐसा हो गया। भाई गलती आपको सजा मुक्त है। और दोनों में सबसे ज़्यादा जो सख्त सख्त मुसीबत है वो इंसान की तरफ से आई हुई मुसीबत है। रब की तरफ से आई हुई मुसीबत को गवारा करना इंसान के लिए आसान है, फौरन उसको रब याद आता है कि चलो रब ने दिया, रब ने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। इंसान ने ले लिया हमसे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा नहीं चलने पाएगा, क्योंकि ये भी उसी के तरह का, उसी के दर्जे का इंसान है, ये उससे बदला ले सकता है। तो अब यहाँ पे सब्र क्यों करें, हम बदला लेने के लिए फौरन हरकत में आ जाते हैं। मुसीबतों के हवाले से अगर हमारा जहन साफ हो तो इंसान की तरफ से मुसीबत आए तब भी और रब्बे करीम की तरफ से मुसीबत आए आसमानी, सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर कोई इंसान सबब बन जाए या डायरेक्ट आसमानी मुसीबत हो बिला किसी ज़ाहरी सबब के, तो हमें दोनों के ताल्लुक से क्या करना, सब्र करना। ये अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हमसे ज़्यादा सआदतमंद इस कायनात के अंदर कोई नहीं हो सकता, उस शख्स से ज़्यादा जिसने अपने दिल को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रखा है, हर तरह के हालात के लिए अपने दिल को तैयार कर, ये नहीं कि पत्थर बांध के उसको रोक रखा है, नहीं, अंदर से रजामंदी है, सीने पर पत्थर रख करके हमने इस चीज़ को सुना, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था, लाल पीले हो रहे थे लेकिन क्या करते, वहाँ ऐसा और ऐसा मामला था। इन सब के बजाय क्या करना चाहिए, क़ुरान ने हमें बताया फसबरुन जमीर, फसबरुन जमीर, एक सिर्फ सब्र है और दूसरा है सब्र जमील। सब्र जमील जानते हैं क्या, किसे कहते हैं, वो सब्र जिसके पीछे शिकायत ना हो, वो सब्र जिसके पीछे शिकायत ना हो। कौन सा सब्र है कि आप अपने अंदर हजम करके ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, भाई आप नाश्ता करके आए, आपने किसी से बयान नहीं किया क्या नाश्ता करके आए हैं, आप खाना खा करके आए, आपने किसी से बयान नहीं किया, आइए 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 एक बात मैं बताता हूँ, क्या बात है, आज मैं खाना खा करके आया, भाई सब्र हो गया आपको ना कि खाना खा करके आए, पानी पी करके आए, सब्र हो गया कि नहीं। अगर वो भी ऐसे हजम हो जाए जैसे खाना हजम हो जाता, पानी हजम हो जाता, अगर वो भी ऐसे हजम हो जाए तो उसको सब्र जमील कहते हैं। लेकिन अगर बदहजमी के आप शिकार हैं, जब तक 10 लोगों से शेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक यहाँ सुकून नहीं मिलता, तो सब्र जमील नहीं है। जब तक आप अपने करीबी लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, कुछ कहेंगे ना तो तसल्ली होगी, कुछ कहेंगे ना, किसी से कहेंगे ना तो बोझ हल्का होगा, यानी आप अभी तक उसका बोझ अपने सीने के अंदर रखे हुए हैं और बयान कर कर के आप ये समझते हैं कि आप उसको हल्का कर रहे हैं, लेकिन नफ्सियात के माहिरीन ये बताते हैं कि आप उसको और ज़्यादा बोझल बनाते हैं। जितने ज़्यादा आप शेयर करते जाएंगे मुसीबतों को, उतने ही ज़्यादा वो मुसीबत आपके लिए हलाकत खेज बनती जाएगी, तबाही का ज़रिया बनती जाएगी। आप जानते हैं कि आपके करीब से करीब तरीन इंसान दुनिया से जाते हैं और अल्लाह ताला भुला देता है, कुछ ही दिनों के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, जानते हैं कि नहीं, ये नेमत है या मुसीबत है, भूल गए आप, भूल गए, नेमत है कि मुसीबत,
हैं, नेमत है, भूल गए, नेमत है। अगर वो कैफियत जो उनके इंतकाल के वक्त आपके ऊपर आई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, दिलो दिमाग ऐसे लग रहा था जैसे फट जाएगा, क्या क्या कैफियत हमारे ऊपर आ रही थी, अगर यही कैफियत 24 घंटे एक दिन भी रह जाए तो इंसान बिस्तर ले ले, उसके बाद उन्हीं का नंबर आ जाए। और अगर चंद दिनों तक उसकी ये कैफियत रहे तो न मालूम उसके ऊपर क्या बीत जाएगी, क्या सूरत हाल उसकी बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान उसको भूल जाए। गोया कि आप ऐसा करें अपने अंदर कि भुलाने की सिफत पैदा करें, आप भुलाने की सिफत पैदा करें, कोई भी मुसीबत हो वो आपके अंदर ठहरने ना पाए, कुछ ऐसा करें ठहरने ना पाए, रुकने ना पाए। अच्छा, क़ुरान आप याद करते हैं, अगर एक महीना ना पढ़ें तो भूल जाएंगे, आराम से भूल जाएंगे। जो चीज़ें आपने याद की हैं एक महीना तक, अगर आपने उसको नहीं दोहराया तो आराम से उसको भूल जाएंगे, और अगर आप दोहराते रहें रोज़ाना तो भूलेंगे। रोज़ाना आप पढ़ते रहें भूलेंगे, सूरह फातिहा रोज़ पढ़ते हैं भूलते हैं, अगर मुसीबतों को भी ऐसे दोहराते रहेंगे तो नहीं भूलेंगे। मुसीबतों को दोहरा, आप कह रहे हैं कि हमने गम हल्का किया, नहीं ताज़ा किया आपने, ये उल्टी हकायत है जो हम लोग बयान करते हैं कि किसी से कह लेते हैं तो गम हल्का हो जाता है, ताज़ा हम करते हैं उसको, ताज़ा हम करते रहते हैं, जितने ताज़ा करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा हम दोनों के दरमियान मुसीबतें खड़ी रहेंगी। तो गमों को कुरेदना नहीं है बल्कि क्या करना है, उसको दफन करना है। और ये कैसे होगा, उसको रिकॉर्ड ना करके होगा, उसको रिकॉर्ड ना करके होगा। जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप उसको बार बार देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। भाई अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली है तो बार बार उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आपका गम, आपकी दुख, आपकी मुसीबत, ऊपर आई हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उसको बोल दिए तो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे आप जैसे ज़ुबान से उसको अदा करेंगे फ़ौरन रिकॉर्ड हो जाएगी, जैसे कान लगा करके सुनेंगे आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसे आँख से उसको आप देखेंगे वो फ़ौरन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो गोया कि क्या करना है, खामोशी के साथ उसको हज़म कर लेना है, जिसे खाना आपने खाया और ख़ामोशी से आपने हज़म कर लिया। एक हफ़्ता पहले आपने फजर के बाद क्या खाया था नहीं याद आएगा, बहुत मुश्किल से दिमाग पर ज़ोर दे करके और बहुत सारी चीज़ें लाएंगे तो मुमकिन है को कुछ याद आ जाए। अच्छा, कल आप फलां जगह गए थे, कोई आपसे मिला था, उससे आपकी कुछ गुफ्तगू हुई थी, नहीं याद आ रहा, ज़ोर देना पड़ेगा। आपने शेयर ही नहीं किया तो याद कैसे रहेगा। अगर आप ऐसे ही उसको शेयर करते रहें तो बराबर वो याद रहेगा। इसलिए जो भी मुसीबतें हैं, मुसीबतों पर सब्र करने का माना हमें समझना चाहिए। मुसीबतों पर सब्र करने का माना क्या है कि मुसीबतों को देखकर अनदेख बन जाएं, देखकर अनदेख बन जाएं, सुनकर अनसुन बन जाएं, और अपनी ज़ुबानों को गुंग कर लें, ताला लगा लें, तो क्या हो जाएंगे, फसबरुन जमील में आपका नाम और आपका शुमार हो जाएगा। ये तीन तरह की मुसीबतें हैं, तीन तरह के सब्र हैं। अगर ये तीनों शक्लें इताअत पर, मासियत से और मुसीबतों पर, तो रब्बे करीम के फ़ज़ल से दीन और दुनिया की सारी चीज़ें और उनके अंदर कामयाबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाएगा। आज के दर्स को मैं यहीं रोकता हूँ, कुछ और भी बातें हैं बिइज़्निल्लाह, अगर मौका रहा तो इंशाअल्लाह आने वाले किसी दर्स के अंदर, और अगर नहीं रहा तो इसी पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कि हमें सब्र और ज़ब्त करने वाला
सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को सुनने वाला और उसे मानने वाला बनाए, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारने वाला और उस पर राज़ी रहने वाला सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।